रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सब लोगों के। आई होप आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपके दुआओं से। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ दाल माश और चिकन का सालन। दाल माश चिकन का सालन कैसे बनता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये आधा किलो दाल माश ली थी जो मैंने पहले ही भगो के रख दी थी। अच्छा जी, मैंने ये एक किलो चिकन लिया है। अच्छा जी, मैंने चार टमाटर लिए थे जो मैंने कट कर लिए। दो मैंने प्याज लिए थे बड़े साइज़ के, वो भी कट कर लिए। अदरक लहसुन का एक चम्मच भरकर पेस्ट है। और मैंने पांच मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी जो मैंने लंबी शेप में कट कर ली हैं। और कुछ मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था तो मैंने लंबे शेप में वो भी कट कर लिया। गार्निश के लिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक शेयर और कमेंट कर मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। ये मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया। ऑयल में ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। मैंने एक प्याली ही लिया है। सबसे पहले मैं इसमें दो तेज़पात डालूंगी और एक चम्मच जीरे का डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज भी मैंने डाल दिया, दो तेज पत्ते डाले थे और मैंने जीरा भी डाला था एक चम्मच। प्याज हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। ये देखें प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं फ्रेश ही लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चिकन। चिकन मैंने डाल दिया, अच्छे तरीके से भून लेंगे। चिकन मैंने दो तीन मिनट अच्छे तरीके से भून लिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर। और इसमें अब जाएंगे खुश्क मसाले। अब मैं इसके अंदर डालूंगी खुश्क मसाले। सबसे पहले एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच काली मिर्च का, एक चम्मच खुश्क धनिया का, एक चम्मच सुरख मिर्च। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। ये देखिए दो तीन मिनट मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है सारे मसाले डाल के चिकन की। आप देख सकते हैं जो टमाटर हमने डाले थे बिल्कुल इसमें सॉफ्ट होके मैश हो चुके हैं। ये देखिए टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छे तरीके से हमने चिकन की भी भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी दाल माश। दाल माश मैंने डाल दी है। अब हम मिक्स कर लेंगे दाल माश डाल के। दाल माश डाल के अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी पाँच मिनट के लिए। और जो मैंने साथ में मिर्चें ली थी वो डाल लेंगे इसके ऊपर। इस तरीके से अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी पाँच मिनट के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मिनट हो गया हमारी दाल को पकते हुए। ढक्कन उठाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमारी दाल माश बनके रेडी है। माशाल्लाह दाल गल भी चुकी है काफ़ी हद तक। ये देखिए बिल्कुल ही गल चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला एक चम्मच। और मैंने क्रश किया हुआ लिया था, क्रश किया हुआ अदरक लिया था, ये डाल दिया, मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी साबुत धनिया। ये देखें माशाल्लाह मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह देखें मज़ेदार सी हमारी दाल माश का सालन बनके रेडी है, चिकन दाल माश का। ये देख सकते हैं आप कितना मज़े का बना। ये इसकी फाइनल लुक मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार सी हमारी दाल माश और चिकन का सालन बन के रेडी है। माशाल्लाह देखें कितना मज़े का बना है, कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह
अगर आज की मेरी ये दाल माश के और चिकन के सालन की रेसिपी की अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट कर लाजमी बताना। इसी वीडियो के साथ लेती हूँ इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।